इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ नया सत्य अपडेट की बात करें। बाड़मेर में गुरुवार को कुएं पर काम करते समय युवक अचानक मिट्टी में दब गया। वह 150 फीट गहरे कुएं में दब गया था। प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम ने उस युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। करीब 12 घंटे बाद रात करीब 12:30 बजे आदम को जिंदा निकाल लिया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। हादसा जिले के खुमे की बेरी गांव का है। यहां पर वह अब सरपंच महेशा राम के घर 5 साल से बंद कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। 4 दिन से कुएं की गहराई बढ़ाने का काम चल रहा था। मजदूरों ने 3 फरमे बांधे थे लेकिन जब खुदाई शुरू की तो 3 फरमे ढह गए। तभी आदम खां पुत्र जानू खां निवासी अमिसा की बस्ती कुएं में अंदर ही दब गया। परियाम खां पुत्र जानू खां व अलीशेर खां पुत्र इब्राहिम खां कुएं के बाहर होने से बच गए। बताया जा रहा है कि यहां कुआ 1944 में खोदा गया था। इससे काफी समय तक सिंचाई के लिए लेकिन 5 साल से बंद था। 130 गहरे खोदे कुएं से रेत भी खिसक रही थी। इस रोकने के लिए लोगों ने कुएं के चारों तरफ से लोहे का पतरा लगा दिया था। फिर भी 3 फर्मों का मलबा व उसके आसपास की रेत नीचे गिरने से आदम खान उसी में दब गया। उसका एक पैर सीमेंट के मलबे में फंसा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन, सेना, बीएसएफ, सिविल डिफेंस, जोधपुर एसडीआरएफ टीम व स्थानीय लोगों ने देसी जुगाड़ करके आदम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो ये तब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।